यो 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 गाइस वेलकम आप सभी का WW2K23 के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज का हमारा वीडियो भाई बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें स्पेशल थीम रख दिया मैंने। 2-on-2 टैग टीम मैच तो होगा ये, और स्पेशल थीम अपना ये है कि इसमें WWE सुपरस्टार्स वर्सेस WWE मैनेजर्स करवाने वाले हैं। तो अपने दो दो मैनेजर ले लिए हैं, एक तो अपने बहुत ही ज्यादा ओपी है पॉली भाई, जो कि WWE के मैनेजर बहुत ही ज्यादा ओपी रह चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं अपने ओपी टाइम में बिल्कुल। एंड एरिक बिशॉफ अपने WCW टाइम में भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेजर का रोल इन्होंने निभाया है। एंड सामने भाई रोमन रेंस और हॉलीवुड हल्क होगन, ये अपने WWE के सुपरस्टार्स, एक तो पुराने आइकन है और एक अपने अभी ट्राइबल शिफ्ट तो आइकन ही चल रहे हैं भाई। ओके सो इन चारों बंदों को मैंने ले लिया इधर, तो देखते हैं भाई किसकी टीम आज जीतेगी, टीम WWE सुपरस्टार्स जीतेंगे या फिर टीम WWE मैनेजर्स जीतेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से रॉ के अंदर एक टैग टीम मैच, देखते हैं भाई किसकी टीम जीतेगी, या से हम टीम रोमन वर्सेस टीम पॉली भी कर सकते हैं। आप लोग भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ऐसे ओपीओपी गेम प्लेस देखने के लिए। लेट्स गो गाइस, हो चुका अपना मैच यहाँ पर स्टार्ट WWE रॉ के अंदर, और मैंने थंडर डोम का रीना लिया है। थंडर डोम का रीना बहुत दिनों से नहीं लिया था मैंने गेम प्लेस के अंदर, तो मैंने सोचा कि थंडर डोम के रीना में कराते हैं। टीम WWE सुपरस्टार वर्सेस टीम WWE मैनेजर्स, एंड पॉली क्या करेगा भाई, रोलिंग थंडर स्टनर दे दिया भाई रोमन को। अरे वाह भाई पॉली ओपी, पॉली के मूव्स मैंने बहुत ही ज्यादा ओपी कर रखे हैं। देखते हैं भाई पॉली इधर जितवा पाएगा अपनी टीम को। एरिक बिशॉप भी ओपी है भाई, उछल के मारते हैं कान पलात। एंड भाई पॉली तो अभी बहुत ही ज्यादा पिटाई कर रहा था रोमन की, एक वाइज मैन अपने ही ट्राइबल चीफ की पिटाई करता हुआ। वाह भाई देख रहे हो इधर क्या देखने को दिखा रहा हूं मैं, मतलब क्या देखने को मिल गया इधर, क्या देखने को मिल गया भाई। मेरा दिमाग की एक बार, मेरे दिमाग के लिए एक बार लाइक बनता है भाई, इधर ऐसे ओपी ओपी आइडियाज बस मेरे दिमाग के अंदर ही आते हैं। क्या बात है भाई, रोमन ने भी इधर अरे स्पेयर मारा था लेकिन 2 पे किकआउट कर दिया यार पॉली ने, 2 पे किकआउट कर दिया। मुझे को लगा कि पिन हो जाएगा, कि पॉली का ओवरऑल भी कम है। अरे डर्टी पिन करा था, टकला रहा है भाई, अलग बिजी है भाई उधर अपना। ओके 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 ओके, चलो देखते हैं भाई क्या होता है अभी। ओ भाई पावर बॉम्ब, इतने मोटे खासे तगड़े पॉली को भाई उठा के सीधा पटक दिया है ओपी भाई। रोमन का भाई पावर एक नंबर है कसम से, मानना पड़ेगा इस बात को। तो हॉलीवुड हल्क होगन देखते हैं क्या कमाल दिखाएंगे वो। एरिक बिशॉप के साथ पंगे रोमन रेंस, ये थोड़ा गलत हो जाएगा मामला। ओके एक और रोलिंग थंडर स्टनर भाई, भाई रेजिलेंस यूज कर लो रोमन। ओ इस बार हॉलीवुड हल्क होगन ने आके बचा लिया भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। एरिक बिशॉप जा रहे हैं उनकी लंका लगाने, लेकिन इधर डर्टी पिन हो गया और पॉली का पिन हो सकता है, पॉली का पिन हो सकता है। 2 पे किकआउट, पॉली के पास भी रेजिलेंस आ चुका है, दोनों के पास ही रेजिलेंस है। एक और रोलिंग थंडर स्टनर और रोमन रेंस हो गए इधर सीधा एलिमिनेट। पॉली ओपी भाई, पॉली ओपी, इसके मूव्स ओपी भाई, क्या बात है क्या बात है, एक नंबर। हॉलीवुड हल्क होगन लेट्स गो, लगा दी अपनी लेजेंडरी लेग ड्रॉप इधर हॉलीवुड हल्क होगन ने, एंड पॉली इधर होता है एलिमिनेट भाई। जैसा कि मेरे को पता था कि पॉली तो एलिमिनेट होगा ही, एंड वो काम इधर हो गया। एंड एरिक बिशॉप अब कुछ कांड कर सकते हैं इधर हॉलीवुड हल्क होगन के साथ भाई। हॉलीवुड हल्क होगन का ध्यान कहीं और था, और एरिक बिशॉप ने लगा दिया अपना फिनिशर, फिनिशर मार दिया भाई, पिन होगा नहीं होगा इधर। 1, 2 and 2 पे किकआउट, अभी तो भाई हॉलीवुड हल्क होगन के पास रेजिलेंस भी नहीं है। एरिक बिशॉप के पास आने वाला है थोड़ी देर में, बस एक और भाई, एक और फिनिशर और मैच इधर खत्म भाई। टीम WWE मैनेजर्स ने सुपरस्टार्स को हरा दिया भाई इधर। भाव भाई भाई भाई, इनका भाई सिस्टम है मैनेजर्स का भी, क्या बात है। दोनों बंदे भाई ओपी खेले हैं एक नंबर थंडर डोम के अंदर। टीम WWE मैनेजर्स ने भाई इधर गाड़ दिए झंडे। एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। पॉली और एरिक बिशॉफ, इनकी टीम बहुत ज़्यादा ओपी खेली यार। अगर इस टीम को आप अगले और भी गेम प्लेस में देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना किसके किसके साथ मैच कर सकते हैं। अभी के लिए मैं चलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।